वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूँ फिटनेस गाइड सगुना। दिवाली का जोश ठंडा हो चुका है, दिवाली चली गई है, लेकिन दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, सुबह शाम आपको काफी ठंड महसूस हो रही होगी, तो बदलते मौसम में क्या करें अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, इसके बारे में आज हम करेंगे बात फिट दिल्ली में। और खासतौर से बात होगी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में। करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले कि अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, अगर आप माँ बनने का सपना देख रही हैं, तो फिर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आपका होने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। हर महिला का सपना होता है कि यदि वो माँ बने तो उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और उसके आने से परिवार में आए ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ सावधानी बरतें। सबसे पहले अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां ले रही है तो हम उसको बोलेंगे कि प्रेग्नेंट होने से 2 महीने पहले बंद कर दें। अगर वो एनीमिक लग रही है तो उसका हीमोग्लोबिन कराएंगे और उसको आयरन या उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन ज़रूरी है वो देंगे। और स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये भी पहले ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है माँ के प्रेगनेंट होने से, क्योंकि ये बच्चे में ज़रूर ट्रांसमिट होता है अगर मदर को है। प्रेगनेंसी प्लान करने से कुछ समय पहले से ही जरूरी है फॉलिक एसिड की खुराक शुरू करने के साथ रूबेला वैक्सीनेशन करवाना। ये बच्चे में होने वाली कई विसंगतियों को होने से रोकते हैं। फॉलिक एसिड एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है, वो एक ऐसा तत्व है जिसको अगर आप ले रही हैं और आपने कंसीव किया है तो बच्चे में रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी के पहले से वो ले रही हों, क्योंकि जब तक आपको ये डिस्कवर करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तब तक रीढ़ की हड्डी बन चुकी होती है। अगर आपने रूबेला की वैक्सीन ली हुई है तो आपको प्रेगनेंसी में रूबेला वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। माता पिता यदि थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं, तो बच्चे में इस बीमारी के होने की संभावना बहुत रहती है। ऐसे में समय पर कुछ टेस्ट करवा कर बच्चे में होने वाली इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगर वो माइनर टेस्ट में आ जाती हैं तो उनके हस्बैंड का भी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर दोनों माइनर हैं तो जब ये कंसीव करती हैं महिला, तो इनका जो बच्चा है वो मेजर भी हो सकता है। और ये जो बच्चा मेजर है या नॉर्मल है ये हमें टेस्ट से पता चल सकता है। तो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में ही हम ऐसा टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें बता सकते हैं कि बच्चे में कोई मेजर के होने की संभावना तो नहीं है। माँ बनने से पहले महिला को थायराइड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। यदि थायराइड लेवल में कुछ गड़बड़ है तो बच्चे में मानसिक विकलांगता होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 1 महीने का इलाज और कोई भी महिला अपनी थायराइड समस्या से निजात पा सकती है। कि अगर थायराइड डेफिशिएंसी है तो अर्ली स्टेजेस में ही बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डेफिशिएंट थायराइड जो मदर से जा रहा है वो बच्चे में ट्रांसमिट हो रहा है, और मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन होने के डर रहते हैं। शादी के बाद हर महिला का सपना होता है माँ बनने का, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का। लेकिन कंसीव करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं, इसके बारे में ज़्यादातर महिलाएँ अनजान होती हैं और इसके परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं। इसलिए जरूरी तो यही है कि आप कंसीव करने से कम उन बातों का ध्यान जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है और आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ अनुजैन रोहतगी, दिल्ली आज तक।